नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने दून में किया स्टेट हैंडलूम एक्सपो का शुभारंभ। हैंडलूम के जरिए उकेरी जाएगी उत्तराखंड की संस्कृति। 3 दिवसीय जनजातीय महोत्सव का भी हो रहा आयोजन। तीसवें संयुक्त नागरिक सैन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने की शिरकत। कहा, नागरिक प्रशासन और सशस्त्र बलों का समन्वय जरूरी। उत्तराखंड में अगले माह लागू हो सकती है समान नागरिक संहिता। गठित विशेषज्ञ समिति 2 फरवरी को सौंप सकती है प्रारूप। सरकार ने 5 से 8 फरवरी तक बुलाया विधानसभा का सत्र। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का उत्तराखंड दौरा आज। देहरादून में कार्यकर्ता सम्मेलन में करेंगे शिरकत। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस। और उत्तराखंड के मौसम में फिलहाल राहत नहीं। घने कोहरे और शीतलहर का येलो अलर्ट। पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी जारी। राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में उत्तराखंड राज्य जनजातीय महोत्सव का शुभारंभ मुख्यमंत्री ने किया। 3 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में 5 राज्यों के जनजातीय समूह के लोग इस महोत्सव में प्रतिभाग कर रहे हैं और इस महोत्सव में पहुंचने पर मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत हुआ। इस मौके पर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तराखंड के जनजातीय कलाकारों ने अपनी अपनी प्रस्तुतियां दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मौके पर अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनजातीय समाज को आगे बढ़ाने के लिए कई योजनाएं चलाई हुई है। बीजेपी सरकार का लक्ष्य है कि विकास की धारा अंतिम छोर तक पहुंचे और भारत का सर्वांगीण विकास हो। देखिए, उत्तराखंड राज्य जनजातीय महोत्सव का आज शुभारंभ हुआ है। ये 3 दिन तक चलेगा जिसमें 5 राज्यों के जनजातीय समुदाय ने शिरकत की है और एक बहुत ही भव्य कार्यक्रम 3 दिन तक चलेगा और विभिन्न सांस्कृतिक दलों को भी यहाँ पर आमंत्रित किया गया और विभिन्न स्टॉल आप देख रहे हैं कि यहाँ पे स्टॉल भी लगे गए हैं और मुझे लगता है कि एक व्यापारिक की दृष्टि से भी देखा जाए तो ये बहुत ही उचित है। और दूसरे में इस प्रकार के मेले लगने से एक संदेश भी जाता है और माननीय मुख्यमंत्री जी की जिस प्रकार से एक उनका एक संदेश है कि जनजातीय समाज को आगे बढ़ाने के लिए और आज जो घोषणाएँ उन्होंने की है इसकी मैं बहुत बहुत भूरी प्रशंसा करता हूं और मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आपको सीधा दिखाते हैं जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात सुन रहे हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ वो मन की बात सुन रहे हैं। कार्यक्रम का प्रसारण होता है और आपको जानकर हैरानी होगी कि छत्तीसगढ़ के जंगल और उसके आसपास के इलाके में रहने वाले बड़े ध्यान से इस कार्यक्रम को सुनते हैं। हमर हाथी हमर गोट कार्यक्रम में बताया जाता है कि हाथियों का झुंड जंगल के किस इलाके से गुजर रहा है। ये जानकारी यहाँ के लोगों के बहुत काम आती है। लोगों को जैसे ही रेडियो से हाथियों के झुंड के आने की जानकारी मिलती है वो सावधान हो जाते हैं। जिन रास्तों से हाथी गुजरते हैं उधर जाने का खतरा टल जाता है। इससे जहां एक ओर हाथियों के झुंड से नुकसान की संभावना कम हो रही है वहीं हाथियों के बारे में डेटा जुटाने में मदद मिलती है। इस डेटा के उपयोग से भविष्य में हाथियों के संरक्षण में भी मदद मिलेगी। यहाँ हाथियों से जुड़ी जानकारी सोशल मीडिया के जरिए भी लोगों तक पहुंचाई जा रही है। इससे जंगल के आसपास रहने वाले लोगों को हाथियों के साथ तालमेल बिठाना आसान हो गया है। छत्तीसगढ़ की इस अनूठी पहल और इसके अनुभवों का लाभ देश के दूसरे वन क्षेत्रों में रहने वाले लोग भी उठा सकते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, इसी 25 जनवरी को हम सभी ने नेशनल वाटर्स डे मनाया है।
ये हमारी गौरवशाली लोकतांत्रिक परंपराओं के लिए एक अहम दिन है। आज देश में करीब करीब 96 करोड़ मतदाता है, आप जानते हैं। और अब रुक करते हैं वापस से खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के रेसकोर्स स्थित बनु स्कूल मैदान में आयोजित स्टेट हैंडलूम एक्सपो में प्रतिभाग किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने एक्सपो में लगे विभिन्न स्टॉल्स का निरीक्षण कर शिल्पियों, बुनकरों और लघु उद्यमियों का उत्साहवर्धन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्टेट हैंडलूम एक्सपो अपने आप में विशिष्ट है, क्योंकि इसका स्वरूप जहां एक और मेले जैसा है, वहीं ये व्यापारिक और स्वरोजगार के क्षेत्र में कार्य कर रहे युवाओं और महिलाओं को अपने कार्य का प्रदर्शन करने हेतु एक विशिष्ट मंच भी प्रदान करता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे हैंडलूम में आप यहाँ के प्रतीक चिन्ह हमारी संस्कृति का समावेश करेंगे तो ये निश्चित ही देश दुनिया में लोकप्रियता और पहचान दिलाएगा। इसकी सबसे खूबसूरती यह है कि इसकी पब्लिक से भी काफ़ी डिमांड रहती है। आप लोग देखिएगा, आज से इसका शुभारंभ हुआ है और कल से यहाँ पर तिल रखने की भी जगह नहीं रहेगी। लोग बहुत ही आकर्षित होकर आते हैं, क्योंकि इसमें न केवल उत्तराखंड के हमारे 13 जनपदों का, बल्कि कंट्री के आप देख सकते हैं कि अलग अलग प्रदेशों के भी यहाँ पर लगे हुए हैं स्टॉल। तो लोग आते हैं यहाँ पर, खरीदारी करते हैं। इससे दो मुख्य चीज़ें हमारी निकल कर आती हैं। एक तो एक कल्चरल आदान प्रदान जो होता है, हम वहाँ की कल्चर को समझते हैं, वहाँ की किस प्रकार का वहाँ पर दस्तकारी शिल्पकारी पनप रही है, और एक हमारे जो प्रदेश के 13 जिलों के उत्पाद हैं उनको भी एक नेशनल मार्केट मिलती है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने शनिवार को लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी में 30वें संयुक्त नागरिक सैन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन समारोह के मौके पर बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। 30वें संयुक्त नागरिक सैन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम में देशभर की 26 विभिन्न सेवाओं और संस्थाओं के 57 वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रतिभाग किया, जिनमें 7 महिला अधिकारी भी शामिल रही। वहीं समापन समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा को और मजबूत करने और भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए नागरिक प्रशासन और सशस्त्र बलों का समन्वय जरूरी है। राजधानी देहरादून के रेसकोर्स स्थित एक निजी हॉल में कांग्रेस घोषणा पत्र सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस आयोजन में कांग्रेस घोषणा पत्र समिति के संयोजक और छत्तीसगढ़ के पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सहदेव के साथ साथ कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता और सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी मौजूद रहे। कांग्रेस के सभी नेता और पदाधिकारी ने आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र कैसा हो, इसके लिए अपने अपने विचार रखे। हमारे सोशल इश्यूज़ हैं, जो चाहे बेरोजगारी से बैठ के है, महंगाई से है, महिला सुरक्षा से लेके है, जो पुरानी पेंशन बहाली को लेके है, और भी जो हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में हम लोगों को जो दिक्कतें हैं उनको लेके सब लोगों ने अपनी अपनी बात रखी। और अब उस पर जो लोकसभा का चुनाव है, जब लोकसभा का चुनाव से पहले जो मैनिफेस्टो आएगा उसमें पूरे प्रदेशों से हर प्रदेश में जाके मैनिफेस्टो कमेटी सुझाव मांग रही है, और उस प्रदेश के लिए क्या जरूरी है उन मुद्दों को वो अपने उसमें मैनिफेस्टो में रखने वाले हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बॉर्डर पर स्थित ग्राम डिबडिबा में किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए नवरीत सिंह की याद में तीसरी बरसी पर कबड्डी टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इस आयोजन में शुभारंभ मौके पर भारतीय किसान यूनियन के कद्दावर नेता राकेश टिकैत पहुंचे, जहां उन्होंने परिवार को सांत्वना दी। इस दौरान राकेश टिकैत ने कहा कि शहीद नवरीत सिंह की शहादत को भुलाया नहीं जा सकता। हमारी बात को पूरे 3 साल हो गए, 3 साल से कोई हमारी बात नहीं हुई। ये देश आंदोलन से बचेगा, अभी ना सरकार बातचीत कर रही, आंदोलन मजबूत होंगे ये देश बचेगा, ये किसान बचेगा, ये मजदूर आदिवासी ये बचेगा, और नहीं तो ये सब चीजें खत्म होंगी। रणनीति है, हमारे मूवमेंट चल रहे हैं, मूवमेंट हमारे चलते रहते हैं। आज भी हमारे ट्रैक्टर मार्च पूरे देश भर में थे, यहाँ पे ये प्रोग्राम हुआ, यहाँ कबड्डी का प्रोग्राम है और पूरे देश भर में हमारे ट्रैक्टर के प्रोग्राम चले हुए हैं। हल्द्वानी में जल निगम जल संस्थान के कर्मचारियों ने बुद्ध पार्क के अंदर एक दिवसीय धरना दिया। वहीं से एक विशाल जुलूस बुद्ध पार्क से जिला अधिकारी के कार्यालय तक निकाला गया, जहां जोरदार नारेबाजी प्रदर्शन कर कर्मचारियों ने अपनी नाराजगी जाहिर की। आपको बता दें कि जल संस्थान के कर्मचारियों की मांग है
कि जल निगम जल संस्थान एकीकरण करते हुए राष्ट्रीयकरण किया जाए। निगम जल संस्थान संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में हम लोग यहाँ पर उत्तराखंड पेयजल निगम और जल संस्थान के एकीकरण और राजकीकरण की मांग को लेकर यहाँ पर है और हम सरकार लगातार सरकार से ये बात मांग कर रहे हैं कि जल निगम और जल संस्थान का एकीकरण करते हुए उसका राजकीकरण किया जाए। वहीं जो जल निगम और जल संस्थान के सीवरेज और पेयजल संबंधी कार्यों को सरकार एडीबी नामक संस्था को दे रही है उसका हम घोर विरोध करते हैं और उसी विरोध के चलते आज हम यहाँ उपस्थित हैं और 20 तारीख से लगातार हम लोग सांकेतिक धरना यहाँ पर दे रहे हैं और सरकार हमारी मांगों को जल्द पूर्ण करे, हम ये आश्वासन चाहते हैं।